कृषि दर्शन में आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को लेकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। आइए जानते उन्होंने क्या कुछ कहा। आज भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लक्ष्य से जम्मू कश्मीर के तहत ये कार्यक्रम रखा गया और पूरे देश के अधिकारी पदाधिकारी वहाँ और जनप्रतिनिधि पहुँचे थे। प्रधानमंत्री का एक निर्देशन था कि एक ऐसा व्यवस्था हो जो ट्रांसपेरेंसी हो और ट्रांसपेरेंसी के तहत वो दिखे जो कोई भी आम आदमी अपने पंचायत के विकास को देख सकता है कि कितने आदमी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिला, आयुष्मान भारत कार्ड मिला, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कितने मनरेगा, यानी सारे स्कीम को हमने उसमें किया है और मेरी पंचायत एक ऐप को आज लॉन्च किया है। ये मेरी पंचायत ऐप गुड गवर्नेंस का एक माध्यम होगा क्योंकि पंचायत के सरपंचों को ये लगेगा कि पूरा पंचायत देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और सरकार को भी मॉनिटरिंग करने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सुविधा होगी। प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो निर्देशन दिया था उस पर हम बढ़ रहे हैं। उनका दूसरा निर्देशन कि पंचायतों में रहने वाले 10 करोड़ महिलाओं को हम ले जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जिसे हम जेंडर एम्प्लॉयमेंट पंचायत में कह रहे हैं। तो जेंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी लाल किले से उन्होंने लक्ष्य दिया है 2 करोड़। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य को 2023 के दिसंबर तक हम पूरा करने की कोशिश में हैं कि 2 करोड़ लाखपति दीदी, उसमें कई डबल लाखपति भी होंगी, कई जिनको मैंने घर दिया है वो सीधा लाखपति है, डबल लाखपति हो गई, जिनकी आमदनी बढ़ गया। तो ट्रांसपेरेंसी प्रधानमंत्री का दिशा निर्देशन है, हमने ट्रांसपेरेंसी को प्रमुखता दी है जिसके कारण ग्रीन एनर्जी 2030 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनाना है देश को, उसमें पंचायतों की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका होगी और उसके लिए हमने 9 थीम में उसको डाला है, ग्रीन विलेज, ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ पंचायत, इस ढंग से डालने का काम किया है। मुझे लगता है आज का ये 9 थीम पर जो कार्यशाला है, ये कार्यशाला देश को एक नई दिशा देने का काम करेगा और प्रधानमंत्री का निर्देशन के अनुसार हम ट्रांसपेरेंसी को पहले प्रति व्यक्ति पंचायतों में 54 रुपया दिया जाता था डेवलपमेंट के लिए और अभी हम 674 रुपया दे रहे हैं। तो हम ये भी कर रहे हैं, कई राज्य अपना भी वित्त आयोग से पैसे देते हैं मनरेगा का है। तो एक प्रधानमंत्री का सपना है कि ऐसा पंचायत, समग्र उन्नति किया हुआ पंचायत हो जिससे गरीबी उन्मूलन में वो बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएगा। उसी दिशा में आज मेरी पंचायत लॉन्च हुई।